गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्टडी व्लॉग। सो इट्स करेंटली 6:13 PM और एज यूजल मैं आपको अपने बालकनी से व्यू दिखा रही हूँ। मेरी बालकनी से व्यू तो बहुत ही अच्छा आता है। सो अभी ना बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी तो काफ़ी अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा था। और मैं ना इससे पहले पढ़ रही थी, मैथ्स ही पढ़ रही थी, तो मैं थोड़ा थक भी गई थी और शाम का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। सो अभी ये चाय देख के ही मेरा वापस से चाय पीने का मन कर रहा है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। बट एनीवेज, तो अभी मैंने बनाई चाय, तो अभी मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद हम वापस पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि मैं मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर कर रही हूँ तो वो मेरा आधा हो चुका था, आधा अभी भी बचा है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पर पहले हम पी लेते हैं अपनी चाय। हाय गाइस, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स और अपनी वीडियो में मैं जितना बोलती हूँ ना कि मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, उससे आप लोगों को लगता होगा कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बैंक एग्जाम्स में यार तीन तो मेन सब्जेक्ट होते हैं अगर कंप्यूटर और जीए को छोड़ दो तो इसलिए मैथ्स पढ़ना पड़ता है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ परसेंटेज चैप्टर, और मैं ना पहले राकेश यादव सर की क्लास अटेंड कर रही थी परसेंटेज की, पर उसमें ना उन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिक से करा रखा और मुझे थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना था और मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था। वैसे उनके रिव्यूज तो बहुत अच्छे हैं, सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मुझे पर्सनली उतना समझ नहीं आया। तो अभी मैं वापस नवनीत सर की क्लास पे आ गई हूँ, वो 2 घंटे का कोई लेक्चर है उनका परसेंटेज का, तो अभी मैं वही कर रही थी। तो चलो, मुझे आधा और करना है तो मैं वही कंटिन्यू करूंगी। सो लेट्स गो। सो गाइज, मैथ्स में ना अर्थमेटिक में स्पेशली परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह के चैप्टर्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इनको तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए क्योंकि ये DI में भी यूज़ होते हैं और अर्थमेटिक में भी इनका जो वेटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए अभी ना मैं परसेंटेज चैप्टर को, मतलब ये जो बेसिक 5-6 चैप्टर्स हैं ना, इनको मैं बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स की तरह मेरा भी अर्थमेटिक का पोर्शन थोड़ा वीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने चैप्टर्स मुझे, मतलब जो बेसिक चैप्टर्स है ना, उनकी तो मैं एटलीस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ ताकि वो चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग हो जाए। मैं बाल ऐसे दिख रहे हैं क्या? हाँ, अभी ठीक हो गए। सो गाइज, मैंने ना वीडियो से तो अपना परसेंटेज चैप्टर कर लिया है, लेकिन सिर्फ लेक्चर ही अटेंड नहीं करना होता, सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। तो इसलिए अभी मैं ये एस क्वांट की बुक से परसेंटेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो चलो वो कर लेते जल्दी से, एंड देन विल बी गुड टू गो। सो लेट्स गो। मैं पढ़ के बाहर आई तो मुझे पता चला कि मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे, तो वो कुछ पनीर पफ और पेस्ट्री वगैरह लेकर आए थे, तो अभी हम वही खा रहे हैं। तो हमने खाया ये पनीर पफ, बड़ा टेस्टी सा था। उसके बाद मैंने अपनी खाई ब्राउनी और उसके बाद मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो अभी ना मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में मेरी ये वाली बुक है, मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ अपनी वीडियो में, तो KD पब्लिकेशंस बाय नीतू सिंह। और इसमें ना मैं अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने वाली हूँ। वैसे ये मैंने सब टिक कर रखे हैं क्योंकि ये सब मेरे हो चुके हैं, कुछ पे सर्कल बनाए, बट हाँ मेरे ये सब हो चुके हैं। तो अभी मैं करने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मुझे रिवाइज करना है, पढ़ा हुआ है मेरा। और फिर ये वर्ब एडवांस लेवल और वर्ब एज अ नाउन वाली भी मैं देखती हूँ मैं कर पाऊँगी कि नहीं, पर अभी ये वाला करना है मैं। सो और ये मेरा ना वोटिंग का वो है, निशान है, और ये अभी तक गया नहीं है, पता नहीं क्यों। गाइस, मैं रोज नहाती हूँ पर ये फिर भी नहीं गया है अभी तक। सो यस, एक्सक्यूज मी फॉर दिस। और चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं। सो गाइज, अभी मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिया है। अब इसमें ये एक्सरसाइजेज है स्पॉटिंग द एरर वाली, तो अभी मैं ये करूँगी। तो इससे थोड़ा ना रिवाइज हो जाता है, मतलब पता चल जाता है कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया। तो अभी मैं ये एक्सरसाइज करने वाली हूँ, तो चलो वो कर लेते हैं।
स्पॉटिंग द एरर कि मैंने 40 तक कर लिया है, तो ये देखो। तो आज का व्लॉग मैं अपनी बालकनी में एंड करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, तो अभी मैं यहीं खड़ी थी। बट यस, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। और आज ना आई एम सो सॉरी गाइज, मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि ना मैं मतलब दो ही चीज़ें पढ़ी मैंने, परसेंटेज चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, और फिर मैंने इंग्लिश पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसकी एक्सरसाइज वगैरह करी। तो यार दोनों चीज़ों में टाइम लगता है, परसेंटेज भी मैंने करा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, बुक से भी करे, लेक्चर भी अटेंड करा, तो थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने व्लॉग बनाना ही 6 के अराउंड स्टार्ट करा था, तो इसलिए अब मैंने जितना पढ़ा उतना ही मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई वाली चीज़ें कम रिकॉर्ड हो पाई है। अब मैं कल से कोशिश करूँगी कि मैं फुल डे व्लॉग बनाऊँ, बट आई विल ट्राई कैसा हो, अब कितना बना पाऊँगी पता नहीं। बट यस, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। अभी 12:30 बज रहे हैं तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, एंड आई रियली होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।